भाई आदि पुरुष का 4 बजे का शो है, चले क्या? उसमें मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज दिखी, वो है फुट्टू आइसक्रीम। भाई मिल भाई जवाब मिल गया ना आपको। आपको पता है क्या, ये मैंगलोर जो सिटी है ना, लड़कियों के रेस पर लड़कियां जो है ना वो मुझसे आगे निकल गई। तो वो बच्ची बोलती है ये मैंने आपको बेचा ही नहीं। धंधा है भैया इधर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज हमें मैंगलोर के डोमिनोज के आउटलेट में, सो कैमरा के जो पीछे बैठे हैं उनको पिज्ज़ा खाने की लत लग गई यार। कल रात उन्होंने ऑल ऑफ सडन कॉल किया और बोला कि मुझे पिज़्ज़ा खाने का है। तो हमने आज क्या क्या ऑर्डर किया है, इधर दिख रहा है ये आपको, चिकन डोमिनेटर चीज़ बस्ट ऑर्डर किया है हमने, मीडियम चीज़ बस्ट है। ये मेरा फेवरेट नहीं है, श्रीदेव भाई का फेवरेट है, उन्होंने उसे चीज़ बस्ट बनवाया था। मेरा थिन क्रस्ट है फेवरेट, फिर भी ठीक है भाई, दोस्तों के लिए। अभी शुरू करते हैं, पहली बार झिंगी पार्सल देख रहे हो, कैसा है देखो। बढ़िया है ना, ठीक है चलो खाते हैं हम। भाई कैसा था पिज्जा, कैसा था? बहुत बढ़िया था। मैंने सुबह सुबह चना छोला खाया था भाई, वो छोला भटूरा बोलते हैं ना, वो खा के आया था मैं। बाहर जाके बात करते हैं। मैं 2 स्लाइस खाया, इसने 4 स्लाइस खाया, ये भूखा आया था इसलिए। बोलो क्या बोल रहे थे? उधर डोमिनोज में लोग पुश के लिए पुल कर रहे हैं, पुल के लिए पुश कर रहे हैं। लोग कितने भी इंटेलिजेंट हो ना, उनको पुश और पुल में हमेशा कन्फ्यूजन होता है। दोस्तों चल चल के हम 1 किलोमीटर चल गए। आप सोच रहे होंगे कि इतना भी गरीब है क्या ये लोग, पर यार पैसे बचाओ यार, मतलब किसी के लिए 1-2 रुपया भी बहुत मायने रखता है। तो अब जितना 10 कदम चल रहे हैं उतना ही 1-1 रुपया कम हो रहा है रिक्शे का। स्मार्ट तरीके अपने पैसे बचाने के लिए, तो पता नहीं अब कितना चल पाएंगे। बचाओ एनवायरनमेंट बचाओ। ये जगह याद है क्या भाई? इधर ही हुआ था मैंगलोर फूड फेस्टिवल, इधर ही हमने बकचोदी करी थी भाई, कुछ खाने को नहीं मिला वहाँ पे। अगर आपको याद हो, अगर आपने देखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे उसका लिंक दे देंगे, आप देख लो जाके। और इधर इसने थोड़े बहुत चीजों के बारे में बताया था, उसके वजह से वो फुटेज से भी काटना पड़ा है। ये क्या कब्बू जूस पीता है? हाँ पीता है भाई। नॉर्मल डेज में ना इधर शाम के वक्त बहुत सारे फूड स्ट्रीट, मतलब स्ट्रीट फूड मिल जाता है इधर, एग वगैरह। और अभी बारिश भी हो रही है मैंगलोर में, फिर भी गर्मी नहीं गई भाई, इसलिए हम ये शुगर केन जूस पी रहे हैं इधर। आप कहाँ से? यूपी से। आपको पता है क्या, ये मैंगलोर जो सिटी है ना सूरज के पास में, धरती दूर है, पता है क्या लोग बोलते हैं ऐसा। मैंगलोर सूरज के पास, इधर गर्मी नहीं जाती, इधर बारिश आते वक्त कभी भी गर्मी नहीं जाती। यूपी से है ये, आपको मैंगलोर स्विमिंग पूल के पास मिल जाएंगे। अच्छा ये है स्विमिंग पूल, भाई मैं इधर आया था एक बार, ठीक है, और इधर आते ही लोगों ने बोला भाई स्विमिंग सीखो तुम। वहाँ पे एक ट्रेनर था, उसने कहा भाई मैं ट्रेन करूँगा, तो मैं अंदर चला गया यार पानी का, उसने मेरा ऐसा सर पकड़ा और अंदर डाल दिया भाई, डूब गया। उसके बाद मैं पानी में नहीं उतरा भाई, वो गोवा में उतरा था, वो यहाँ के बाद वही है। उतरा नहीं था, हमने उतारा था इसे। हाँ पर वहाँ क्या है ना, हाइट ऊपर था ना, तो ऊपर ऊपर ही ऐसे तैर रहा था मैं। पर भाई अच्छा। उस ट्रेनर ने जो मेरे साथ किया वो किसी को नहीं करना चाहिए, मतलब कान के अंदर, मुंह के अंदर, नाक के अंदर सब पानी गया। ठीक है सॉरी यार, पूरा डरता हूँ मैं भाई। ये देखो भाई मंगला स्टेडियम, यहाँ के भी किस्से हैं। यहाँ हमारा स्पोर्ट्स डे होता था, ठीक है, एक बार क्या है मैं नहीं जाता था भाई स्पोर्ट्स डे, भाई मैं बैठ के खाने वाला इंसान हूँ। तो एक बार क्या हुआ, हमें 9th स्टैंडर्ड में एक स्पोर्ट्स का सब्जेक्ट है, नहीं स्पोर्ट्स का एक लेसन था, तो मैम ने कहा इसके लिए असाइनमेंट यही है कि आप स्पोर्ट्स डे में भाग ले लो किसी भी चीज़ में। अब यार इस भाग तो लेना है, तो मैंने कहा भाई कुछ भी, ज़्यादातर लोग भाग लेते उसमें लेते हैं, तो वो था कुछ 5,000 मीटर का रनिंग रेस, उसमें मैक्सिमम लोग सिर्फ 1,000 मीटर या 800 मीटर चल पाते हैं, पर उसमें चला गया मैं। उसमें मैं लड़कों के रेस में लास्ट था, और लड़कों के बाद लड़कियों के रेस स्टार्ट होता है, लड़कियों के रेस पर लड़कियां जो है ना वो मुझसे आगे निकल गई। पर इतना शर्मनाक चीज़ हुआ, मैंने 800-900 मीटर में ही हार मान लिया और बैठ गया उधर। आप रेस में लास्ट आए पर जिंदगी में आप पहले हो, ठीक है, तो रेस वगैरह चलता रहता है। जिंदगी में
स्कूल वाले मैथ्स टीचर ही, पीटी का हमारा पीरियड सभी मैथ्स टीचर ही लेंगे, तो गोल्ड मेडल किधर से आएगा, है ना भाई? खुद के स्टोरी का हीरो बनो भाई। हाँ, खुद के लाइफ का हीरो तुम हो और तुम ही हो डिसाइडर, ठीक है? आपको मतलब फर्स्ट आते हो लास्ट आते हो ये सभी आपके हाथ में ही है। ये लोग इंजीनियर बने तो आईटी कंपनी अभी बंद कर रहे हैं अपने आप को, है ना? रिसेशन में बहुत लोग बाहर डाल दिया बहुत लोगों को रिसेशन में। लो भाई देख लो, सोच लो, फोर्स मत करो यार, दोनों तो सफ़र कर रहे हैं भाई। रिसेशन क्यों हुआ ना, जो लोग डिसर्व नहीं करते ना कि काम करना है, सब छपरियों के ले लिया भाई। मैं गया था फर्स्ट मीटिंग में, सारे छपरी बैठे हैं, सबके सब, कोई बनियान डाल के बैठा है, कोई हेयर कलर करके बैठा है। अरे भाई तुम इंटरव्यू करते हो देखते नहीं हो क्या? तो रिसेशन इसी की वजह से हुआ है कि ओवर रिक्रूटमेंट हो गया, अब प्रोजेक्ट नहीं है तो निकाल रहे। अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया हो रहा है, मैं तो इसके साथ हूँ भाई। रिसेशन करो, सबको निकाल दो तुम। भाई आदि पुरुष का 4 बजे का शो है, चले क्या? अरे अच्छा मैं मर जाऊं भाई उसे देखने से, अच्छा मैं खुदकुशी कर लूं। दोस्तों जो आदि पुरुष जो ट्रॉल हो रहा है ना, मतलब बहुत मजा आ रहा है मेरे को। और ओम रावत ये बोल रहा है कि नहीं भाई हमने सही बनाया, पता नहीं यार लोग उसको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। आदि पुरुष देखने से अच्छा मैं वो द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम जो मेरे बचपन के टाइम पे आता था ना कार्टून नेटवर्क पे, वही मैं वापस देख लो भाई। उसमें जो बजा है ना और किसी रामायण, और वो रामानंद सागर जी का वो भी रामायण बहुत बढ़िया था, वो मेरे पप्पा मम्मी देखते थे मतलब आजी सभी। और क्या है उस 600 करोड़ में 1-2 करोड़ मुझे दे देते तो मैं बढ़िया तरीके से व्लॉग्स का सेटअप सभी लेके 4 जन को मैं काम में लेके प्रोफेशनल वाला व्लॉग बनाता भाई। हाँ भाई, और क्या है, और टी सीरीज को हम 10 गुना बना के दे देते। हाँ अभी हम आए हैं फ्रोजन स्कूप बोल के एक सिटी सेंटर के मैंगलोर के पास, सिटी सेंटर है ना इसके ठीक ऑपोजिट में है। सो मैंने बहुत सारा वीडियोस देखा था, उसमें मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी, वो है पुट्टू आइसक्रीम। पुट्टू एक फेमस डिश है जो राइस से बनता है ना, राइस वाला, वो एक सिलेंड्रिकल वो एक पेटल्स में डाल के मतलब लीफ में डाल के उसका एक कुछ करते हैं, उसे पुट्टू बोलते हैं, उसको चटनी के साथ खाते हैं। सो उसका एक आइसक्रीम में बनाया तो कैसे लगता है, वो ऐसे दिखता है। सो हमने ऑर्डर किया अभी जो ऐसे दिखता है। और इसमें 3 टाइप का फ्लेवर है और भर भर के ड्राई फ्रूट्स डाला है और ऊपर से चॉकलेट सिरप और वाइट चॉकलेट सिरप भी डाला है। बहुत टेम्पटिंग दिख रहा है। श्रीदेव भाई रेडी है टूट पड़ने के लिए। और ये देखो भाई साहब ने शुरू भी किया, कैसा है? और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। फिनिश कर पाएंगे? पता नहीं, आप तो कर लोगे। तो राहुल भाई अभी बेल्ट लेने आए। पप्पा जी सो गए ना। इनके लिए भाई नहीं होएगा ये, आपको लंबा चाहिए। भैया 2 दिन में टूट तो नहीं जाएगा ना? एक बात बताऊं भाई, पहनने वाले में रहता है, टूटता नहीं कोई भी चीज़, पहनने का जो उसको ढंग से पहनेगा ना तो टूटता नहीं। देखो अगर टूटना है तो कंपनी का भी टूटेगा, है ना? देखो अच्छा कंपनी का है आपके पास, देखो। और शॉपिंग लोकल शॉप से करो, वो उनके फैमिली के लिए वो काम करते हैं। बड़े बड़े कंपनी वालों का बहुत पैसा हो गया है, वो पैसा छापते रहते हैं। अगर उनका जूडियो नहीं चला तो उनका वही पेट्रोलियम प्रोडक्ट चल जाएगा, कॉफ़ी वगैरह चल जाएगा, है ना? अरे उनका भी इनका ही प्राइस है भाई, वो चढ़ा के एसी का रेंट। देखो यही काम वाले का लटका है तो ब्रांडेड बन जाता है। 360 का अब जैसा बनाना विश करो, टूट गया तो लेके आओ, इसका नहीं देगा गारंटी, इसका दो बेल्ट का, बेल्ट में कुछ खराबी है तो एक्सचेंज करता है, बटन में तो आप ही रेडी करके देख लो। श्रीदेव भाई ले लो भाई, जवाब मिल गया ना आपको।
कितना कितना महीने का वारंटी है? सिक्स मंथ वारंटी। बारिश में नहीं बिकने का, स्मेल आ जाता है। धंधा है भैया इधर? हाँ अभी उतना नहीं है, मंदा है अभी। नहीं सारे लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना? मैं खुद ना मैं जाके लेता हूँ ऑनलाइन पे लेने का, बाद में वो किसी और ऑनलाइन में। देखिए हाँ। क्या मालूम है, मैं एक बात बताता हूँ, ऑनलाइन में सब चीज बनाने मरने से पकड़ के सामान लेने तक, जब रोड में आप पड़ गए तो ऑनलाइन वाला आके नहीं बचा आदमी ही उठाता। आदमी के पास धंधा करेंगे तो एक मोहब्बत। हाँ वही वही, इधर मिलने की चीज जो ऑनलाइन पे लेते हैं बोले तो इधर वाला तो लोगों को बाहर ही नहीं आना है ना, वो घर बैठ के ही करते सब। नहीं 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 ऐसा नहीं है। जो देखिए अब हम लोग चलते रहते हैं, मैं ऑनलाइन का पूरे खरीदता हूँ, ऑनलाइन वाला ही आके उसको बचा सकते हैं ना। वही वही, डॉक्टर मंगल लो ना। वही ऑनलाइन के क्या मालूम है, जो चीज नहीं मिलता है ना वो ऑनलाइन वो ले लो, वरना जो चीज मिलता है ना वो ऑनलाइन में जरूरत नहीं है ना। मरने के बाद चार लोग खन्ना देने के लिए लोकल ही आते हैं ना। अब आ रहा व्हीकल चला जाते, कोई लग के गिर गया पड़ गया तो पानी डालते हैं हम लोग ही डालते हैं, वाला ला के डाले सब लोग। ऐसा सोचेंगे तो सब लोग जी के जाते हैं, सब सभी को खाना मिलता है भाई। अगर ऐसा ही आप अपने सोच में सोचेंगे तो थोड़ा बुका मारते हैं। सोचों से रहता है। मैं खुद ऑफलाइन पर्सन हूँ, मुझे ऐसे लोकल में खरीदना पसंद है क्योंकि ज़्यादा मगजमारी नहीं। वी हैव अ सेल 350 का 300 रुपए में। अजंता, ये देखा है ना? डील डन 300 रुपए में। सही, थैंक यू सर। गंदा बनाओ आराम से। एब्सोल्युटली। भाई राहुल भाई ने एक बैग लिया है अभी, छोटा सा पर्स उनके अंकल के लिए। उनके अंकल के लिए बहुत दिनों से। क्या यार, मैंने बहुत जगह ढूंढा भाई, 10 रुपए बार्गेन नहीं कर पा रहे भाई, ये शर्म है भाई। बताओ भाई, हम ऑनलाइन में मतलब वो 5-star होटल में जाके 500,000 टिप देते हैं तभी शर्म नहीं आती। हम इधर बार्गेन करने के लिए कुछ भी हो भाई, कैमरा वाले पीछे वाले। थैंक्स। अगर मेरे माँ होते ना तो इसको 30 रुपए से ज्यादा 1 रुपए नहीं। लेडीज से सीखना पड़ता है, जेंट्स वगैरह बार्गेन नहीं कर सकते, मतलब दया करुणा सभी आ जाता है। और अच्छी बात क्या है ना, उन्होंने बिल दिया है। तो दोस्तों अभी मैं और श्रीदेव भाई ना सिटी सेंटर के पास से गुजर रहे थे, तभी छोटी बच्ची आती है और बोलती है कि भाई स्टिकर ले लो, ठीक है 20 रुपया स्टिकर। मैंने उसे कहा कि स्टिकर नहीं चाहिए, 20 रुपये ले लो। फिर भी उसने क्या बोला, स्टिकर ले लो भैया, फोकट का पैसा नहीं चाहिए। तो मैंने स्टिकर ले लिया, ठीक है बच्ची अच्छी है, फोकट का पैसा नहीं है, कुछ कमा के खा रही। थोड़ी देर बाद मैं उसी रास्ते से चल के आ रहा था, थोड़ी दूर में वो दो बच्चियाँ खड़ी थी, ठीक है वो खड़ी होके बात कर रही थी अपने, मतलब वो दोनों सिस्टर्स है और उनके माँ बाप भी उधर खड़े हैं। तो वो मुझे इशारा, वो उस बच्ची को इशारा करती है और बोलती है उन्होंने खरीदा है हमसे, हमारे पास से, सो तुम भी जाके उसे बोल दो कि स्टिकर लेने के लिए। उसने श्रीदेव भाई को पकड़ा, श्रीदेव भाई क्या किए सीधा आगे चले गए। सो मैंने बोला उसे कि स्टिकर मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, मुझे नहीं चाहिए। तभी मैंने श्रीदेव भाई को बुलाया कि स्टिकर दिखाने के लिए बुलाओ। मैंने बुलाया श्रीदेव भाई को कि स्टिकर दिखाओ। ऐसे बुलाया भाई, अभी रुक दिखाता हूँ। अब देख तू गया बेटा, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। तो मैंने स्टिकर निकाल के बोला, तो वो बच्ची बोलती है ये मैंने आपको बेचा ही नहीं, ठीक है। बाद में वो बोलती है हाँ ये मेरा स्टिकर है, वो मुझे पता नहीं, ठीक है उनसे ले लो आप, ये मेरे से आपने लिया है ना उनसे ले लो 20 रुपए का। वो सीधा मेरे मतलब मेरे पे चढ़ गई यार, वो बच्ची मेरे पीछे पीछे आ रही है ले लो करके। बाद में मैंने क्या किया, देखो पैसे दिया, ये हमारा स्टिकर है, तो हमने इसे बैग में डाला और उसका स्टिकर उधर स्कूटी पे रख दिया, ठीक है। सो वो बच्ची मेरे पीछे आके बोलती है जो बैग में आपने डाला है स्टिकर वो मेरा है। मैंने बोला तेरा स्टिकर उधर स्कूटी पे है देखो। बाद में वो चली गई। ऐसा स्कैम वगैरह इधर हो रहा है ज़्यादा सिटी सेंटर के पास, तो आप थोड़ा बच के रहिएगा इनसे, ठीक है। हम पाप पुण्य देख के हम तरस खा के उन पे पैसे दे देते हैं, बच्चे हैं यार जाने दो। पर वो लोग ना, और एक चीज़ है देखो, बेगर्स कांट बी चूजर्स, जो हम दे रहे हैं ले लो और काम करो भाई, अपना खाना खाओ। तो वो भीख नहीं मांग रहे थे इसीलिए मैंने उन्हें पैसा दे दिया 20 रुपए ना, वो बच्ची का कुछ कमा के खा रहे है। बाद में इनका गैंग ही अलग है, स्टिकर का गैंग है इनका, स्टिकर गैंग। ये देखो स्पाइडरमैन दिया है उसने, अभी मैंने इसको श्रीदेव भाई को दिया है क्योंकि वो स्पाइडरमैन का बहुत बड़े फैन है, ठीक है। घर जाके स्पाइडरमैन बनेंगे, घर जाके स्पाइडरमैन बनेंगे।
सो आशा करते हैं आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहो। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। भाई आपको कैसा लग रहा है, कल से मैं फिटनेस की ओर अपना जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ, कैसा लग रहा है भाई, आपको लगता है मैं कर पाऊँगा? आजकल आप इतना बढ़िया बढ़िया जोक मार रहे हो कि आप स्टैंड अप ऐसा करियर ले सकते थे भाई। हेलो गाइस, हाय। तो मैंने कुछ दिन पहले ना एक स्टैंड अप पोस्ट किया था,